हिमाचल में वन माफियाओं की अब खैर नहीं होगी। वन विभाग ने वन माफियाओं से निपटने के लिए हाईटेक टेक्नोलॉजी अपनाने का निर्णय लिया है। क्या है विभाग के नए फॉर्मूले, देखिए इस खास रिपोर्ट में। वन माफिया पर अंकुश लगाने के लिए वन विभाग ने रैपिड रिस्पांस फोर्स बनाने का फैसला लिया है। खास बात यह है कि ये फोर्स जीपीएस सिस्टम से लैस गाड़ियों में मौके पर जाएंगी, जिस पर जिला व प्रदेश के बड़े स्तर के अधिकारी भी दफ्तर में बैठे बैठे नजर रख पाएंगे। इससे न केवल बड़े अधिकारी अपनी टीम की कार्यवाही से वाकिफ होंगे, वहीं उनकी सुरक्षा के मद्देनजर भी ये कदम कारगर साबित होगा, क्योंकि कई मर्तबा देखा जाता है कि वन काटू वन रक्षकों पर हमला कर देते हैं। सिरमौर जिला के राजगढ़ में पहुंचे वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि वन विभाग ने 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के सभी वन रक्षकों को हथियार प्रदान करने का फैसला लिया है, ताकि उन्हें कोई कठिनाई ना आए। इसमें खास बात यह है कि हथियार भी वन रक्षकों को उसकी पसंद का दिया जाएगा। वन रक्षकों को विभाग कैमरा उपलब्ध करवाने की भी तैयारी में है, ताकि उनके द्वारा की जा रही पूरी कार्रवाई कैमरे में कैद हो सके। वन मंत्री ने कहा कि विभाग ने अब वन काटुओं पर कार्रवाई करने के लिए ग्रुप पेट्रोलिंग का फैसला लिया है, जिसमें विभाग के करीब आधा दर्जन कर्मचारी व अधिकारी होंगे। उन्होंने कहा कि विभाग का तर्क है कि अकेले पेट्रोलिंग करना वन कर्मी के लिए बड़ा खतरा रहता है। जो 40 साल से उम्र के कम है, उनको अब हम हथियार हम उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। हथियार वो अपनी पसंद का खरीदेंगे, हथियार के मालिक वो होंगे, यानी ताकि वो कहीं पर भी जाएंगे तो उसके कारण उनको लाभ मिलेगा। और दूसरा काम हम उसके साथ अब ये भी कर रहे हैं कि हम जितनी हमारी पूरे स्टेट के अंदर हमारी लगभग हर सर्कल के अंदर हमने एक रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स बनाई है। अब उन सारी फोर्सेस को हमने कहा है कि टेक्नोलॉजी का लाभ लेकर के उसमें हम जीपीएस सिस्टम और सारे टेक्नोलॉजी के सिस्टम में इस रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स को हम देंगे, ताकि जब भी कोई ऐसी कार्रवाई के लिए हमारी जो फोर्सेज जाएंगी, वो चाहे जंगल में जाए कहीं जाए, और उनकी गाड़ी है और उनके पास, यानी वो पूरी सिस्टम यानी फॉरेस्ट मिनिस्टर का ऑफिस भी उस एक्टिविटी को देख सकेगा, हमारे दफ्तर में बैठे डीएफओ देख सकेंगे, सीएफ देख सकेंगे और हेड ऑफ द जो फॉरेस्ट फोर्स है वो देख सकेंगे, ताकि एक तो उनकी सुरक्षा की भी पूरी जानकारी रहेगी कि जो आपकी ऐसी फोर्स काम करे तो उसको भी। और फिर उसके पश्चात थोड़ा हम और नीचे आने वाले हैं, और उसके बाद नीचे आने के लिए हमने कहा कि जो वन विभाग के जो हमारे कर्मचारी हैं, जब ये जंगल में जाता, मान लिया हमारे फॉरेस्ट गार्ड जाते हैं, तो उनके लिए भी कम से कम हम इस प्रकार के कैमरे उपलब्ध करवाएंगे कि कम से कम वो कोई भी एक्टिविटी करते, ताकि वो रिकॉर्ड उनके पास रहे। कुल मिलाकर वन विभाग वन माफियाओं के खिलाफ पूरी रणनीति से निपटने की तैयारी में है। अब देखना ये होगा कि भविष्य में किस तरह के परिणाम सामने आते हैं, क्योंकि प्रदेश में अभी भी वन माफिया बेलगाम नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, नाहन।